आप सभी लोग। होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। आज की व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 3 बजे से। 3 बजने वाले हैं या बज गए करेक्ट, मैं आपको टाइम दिखाती हूँ पहले, फिर आगे कंटिन्यू करती हूँ ब्लॉग को। तो देखिए फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप टाइम दोपहर का, और यहाँ पे मेरा कल का ब्लॉग चल रहा है जो कि एंड हो गया है अभी अभी। तो उसके बाद चलते हैं किचन में। तो किचन में ये देख लीजिए आप, ये मैंने आटा लगा के रखा है। अभी मैं पूड़ी बनाने वाली हूँ, क्योंकि ये मैंने, ये देखिए आलू टमाटर की मैंने सब्जी बनाई है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल गरम करने रख लिया, वीडियो में बहुत कम लग रहा है लेकिन पूड़ी तलने जितना तेल है ये। फ्रेंड्स, अब करते हैं ब्लॉग की स्टार्टिंग। आप सोच रहे होंगे आज मैंने दिन से क्यों ब्लॉग स्टार्ट किया, तो मैं आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ। उससे पहले मैं बताती हूँ कि आज यहाँ मौसम कैसा है। कभी कभी धूप आ रही थी, कभी कभी बादल लग रहे थे, लेकिन अभी हो रही है बारिश। और मैंने लाइट जला रखी है, ये देखिए बड़ी वाली लाइट है ये, इसलिए मेरा चेहरा मतलब क्लियर दिख रही हूँ मैं आपको मौसम दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, आप, बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही, धीरे धीरे हो रही है। देख सकते हैं आप, इधर सूख रखा है और इधर गीला हो रखा है, और बच्चों का आने का टाइम हो गया है। फ्रेंड्स, अब मैं एक जगह में बैठ गई हूँ और मैं बताती हूँ आपको कि आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग मैंने मॉर्निंग से क्यों नहीं की। मॉर्निंग से ब्लॉगिंग की स्टार्ट इसलिए नहीं की कि आज नेगी जी गए हैं लेट ऑफिस, यानी कि 10 बजे। तो पहले तो नेगी जी के साथ ही लेट हो गया, तो नेगी जी गए, फिर उसके बाद जैसे ही नेगी जी घर से निकले वैसे ही आंटी जी आ गए थे। तो थोड़ी देर मैं आंटी जी के साथ बैठी रही, उसके बाद किया मैंने घर का जो थोड़ा बहुत काम बचा हुआ था, कपड़े वगैरह, झाड़ू पोछा और नाश्ता वगैरह, तो मेरा नेगी जी के जाने से पहले ही हो गया था। तो मैंने कपड़े धोए उसके बाद, और फिर गई मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ, क्योंकि उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी। तो काफ़ी दिन हो गए थे, 5-6 दिन, तो मैं मतलब होके नहीं आई थी उनके पास। तो मैंने सोचा कि उनकी याद करके आ जाती हूँ और तबीयत कैसी है ये पूछ के आ जाती हूँ। तो गई मैं उनके साथ मतलब उनके घर, और जैसे ही मैं वहाँ से आ रही थी तभी मुझे पड़ोस में दीदी का फ़ोन आ गया। हमारे यहाँ खटाई बनाते हैं, चू खटाई, या कोई हमारे यहाँ कजबली भी बोलते हैं, मतलब मैं पौड़ी से हूँ तो मेरे यहाँ कजबली बोलते हैं। मेरी शादी चमोली में हुई है तो वहाँ खटाई बोलते हैं, और कुमाऊँ में बोलते हैं चूक। तो वो दीदी कुमाऊँ से है, तो हम बहुत सारे थे वहाँ। वहाँ की छोटी सी क्लिप मैं शेयर कर देती हूँ। और उसके बाद मैं घर में आई 2 बजे, और फिर उसके बाद मैंने आलू टमाटर की सब्जी सुबह ही बनाई दी थी, आलू के पराठे बनाए थे, साथ में प्लेन रोटी पूड़ी और आलू टमाटर की सब्जी बनाई थी। पूड़ी और आलू टमाटर की सब्जी नेगी जी ऑफिस ले गए, आलू के पराठे उन्होंने यहाँ पे खाए। तो और रेसी के लिए भी, स्कूल के लिए, टिफिन के लिए आलू का पराठा बनाया मैंने। तो इस तरह से मेरा व्लॉग आज आफ्टरनून में स्टार्ट हो रहा है। मैं बनाने जा रही हूँ गर्मा गर्म पूड़ी, क्योंकि मेरा बेटा बस आता ही होगा, 3:05-10 पे वो घर में पहुँच जाता है। वैसे 3 बजे पहुँचना चाहिए, लेकिन 5-10 मिनट इधर उधर हो जाते हैं, तो मेरा बेटा आने वाला है। तो मैं जा रही हूँ फटाफट से पूड़ियाँ बनाने के लिए, और फिर मिलती हूँ मैं आपको। और आज का मौसम यहाँ मैंने दिखाई दिया, ठंडा नहीं है लेकिन बारिश है। परसों यहाँ ओले गिरे थे, उसके बाद यहाँ मौसम उतना ज़्यादा ठंडा तो नहीं है, लेकिन गर्म भी नहीं है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, लेकिन बारिश और बूंदाबांदी हो ही जाती है। तो ऐसे चल रहा है मौसम, आप लोगों के यहाँ कैसा चल रखा है? मुझे कोल्ड है, तो कोल्ड के साथ थोड़ी थोड़ी खांसी भी है, तो इसलिए मेरी सांस फूल रही है। तो मैं इतना ज़्यादा फूल रही हूँ, अब और नहीं बोल सकती। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। हमारा बिट्टुलू आ गया।
रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। आई थी बारिश। जाओ उधर से, ये आपकी सारे कपड़े रखे, आपकी कमीज तो रखना भूल ही गई। अभी हो रहा है टाइम 6 बजने वाली है, 5 मिनट रह रखे हैं और मैं जा रही हूँ ना मार्केट। मैंने दूसरी वाली सफ़ेद वाली स्वेटर डाल रखी थी लेकिन वो थोड़ा सा ढीली सी हो रही थी, घर पे नीले लूज लूज अच्छी है ना, तो मैंने ये वाली डाल ली, बाहर निकाल रखी थी। और सब्जी उब्जी लानी है मुझे, तो बस सब्जी उब्जी लेने जा रही हूँ मैं। और रेसी जा रखा है खेलने ट्यूशन से आने के बाद, और सरकारी वाला पानी आ रखा था तो मैंने बाहर पूरी धुलाई कर दी है। देखिए दिखाती हूँ, तो देखिए फ्रेंड्स मैंने पूरी धुलाई कर दी, अच्छे से पौधों में भी पानी डाल दिया है और इस तरह से धुलाई कर दी है। तो देखिए फ्रेंड्स पूरी अच्छे से पौधों में पानी डाल दिया। तो फ्रेंड्स आ गई हूँ मैं मार्केट से और लेके आ गई हूँ थोड़ा बहुत सामान, थोड़ा बहुत सामान नेगी जी से मंगा रखा है मैंने, तो बस नेगी जी भी आने वाले ही होंगे। और मैं अब करती हूँ शाम की पूजा, चेंज करती हूँ और उसके बाद करती हूँ शाम की पूजा, फिर मिलती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स मार्केट से लेके आई हूँ मैं ये बैंगन लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे बनाना है बैंगन का भरता। और लहसुन ख़त्म हो रखी थी, लहसुन लेने गई थी। और लेके आई हूँ मैं मशरूम, क्योंकि परसों मैंने मशरूम की सब्ज़ी बनाई थी, सबको पसंद आई थी तो मैं दोबारा ले आई। और लहसुन बहुत अच्छी आ रखी लेकिन है भी बहुत महंगी। तो फ्रेंड्स एक पाव है ये, 50 की 60 की है ये वाली, 150-60 की। और बीन्स लेके आई हूँ, टमाटर लेके आई हूँ, गोभी लेके आई हूँ, तो बस इतनी ही सब्जी लेके आई हूँ। और अदरक लाना भूल गई मैं। और ये देखिए बैंगन बहुत अच्छे हैं और इनके अंदर कीड़े भी नहीं थे। तो नेगी जी ला रखे हैं आज ये गर्मा गर्म पैटीज़, ये देखिए। और मैंने बना दी है चाय और रेसी के लिए दूध, और अंगूर भी लेके आए हैं। मैं लेके नहीं आई थी इसीलिए मैंने कहा नेगी जी ले आएंगे। तो आपको कैसे लगती है पैटीज़ कमेंट करके बताना, मुझे तो अच्छी लगती है, मेरे बेटे को ज़्यादा अच्छी लगती है। तो
फ्रेंड्स मेरी पूजा हो गई है, टीका साफ हो गया है, चेंज किया मैंने क्योंकि पूजा के लिए मैंने दूसरे कपड़े पहने थे, इनमें मैं बाहर गई थी तो मैंने नहीं पहने हैं और नहीं पहने थे, दूसरे पहने थे फिर, और चेंज किया तो टीका भी साफ हो गया। तो मेरी पूजा वगैरह हो गई और आज मैं डिनर में बना रही हूँ, थोड़ी सी सब्जी है और मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता और रोटी बनाऊंगी। तो चलिए मैं खाना बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। इस ब्लॉग को ना यहीं पे एंड करती हूँ, कल फिर मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता।